अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम आपके चैनल आईटी टॉक पे फिर से एक वीडियो लेकर हाजिर है जो कि अवेयरनेस से बड़ी पड़ी होगी। तो यहाँ पे आईटी टॉक के दोनों बंदे एक साल बाद यहाँ पे मौजूद है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस मैटर है। और यहाँ पे हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स ने भी हमें सजेस्ट किया कि क्यों ना हम इस पे एक वीडियो बना के आप लोगों को अवेयर करें। तो आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कोरोना वायरस के बारे में और उससे होने वाली बीमारी कोविड-19 के ऊपर। तो यहाँ पे जो मेन चीज़ मैं कहना चाहूँगा आप लोगों से, तो वो ये है कि स्टे सेफ, प्लीज़ घरों से बाहर नहीं निकलिए और अपने आप को घरों में बंद कर दीजिए। अच्छा, तू भी कुछ बोलेगा ना? अच्छा बोल। बोलूँ पक्का हाँ बोल बोल। आपकी इजाज़त हो तो बोलूँ। मैं भूल गया था, मैं बोल। अगर आपको खांसी, नज़ला, ज़ुकाम या फीवर या आपको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है तो प्लीज़ अपने आप को सेल्फ आइसोलेट करें, अपने आप को सेल्फ क्वारंटाइन में रखें। और अगर आपको ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा कुछ हो रहा है, तो अपने अपने आप डॉक्टर को भी आप रुजू कर सकते हैं। और अगर आप पाकिस्तानी व्यूअर हैं हमारे, तो आप 116 के ऊपर भी कॉल कर सकते हैं। वहाँ पे एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर बैठे हुए हैं जो आपको मज़ीद हिदायत करेंगे ताकि आप कोरोना वायरस से बच सके। तो अगर दूसरी प्रिकॉशन की बात करें तो जितना हो सके कि अपने हाथ को साबुन से 20 सेकेंड तक कम अज़ कम धोए, ताकि जो भी आपके हाथ के ऊपर बैक्टीरियाज वगैरह लगे हुए हो वो क्लियर हो जाए और आप कोरोना वायरस से सेफ हो। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी काम हो तभी अपने घरों से बाहर निकलिए, वरना घरों से बाहर निकलने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं एग्जांपल देता हूँ एक, कि अगर घर में कोई बीमार है और उसकी दवाइयाँ लेने जानी है, तो इतना ज़रूरी अगर काम हो तभी आपको घरों से बाहर निकलना है। और अगर घरों से बाहर निकल भी रहे हैं तो मास्क ज़रूर लगाइए, आप अपनी नहीं तो दूसरों की ज़रूर से फिक्र कीजिए। और यहाँ पे गवर्नमेंट कह रही है कि आपको हाथ भी नहीं मिलाना, यहाँ पे एक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। यहाँ पे लोग गले मिल रहे हैं, पता नहीं क्या होगा। यहाँ पे आपको तकरीबन 3 फुट का जो है वो स्पेस मेंटेन रखना है एक दूसरे के वक्त, जब आप किसी के साथ भी आप रबते में हो या किसी से भी आप मिले, तो यहाँ पे हाथ मिलाने से भी गुरेज करें और 3 फुट का तकरीबन अपने आप अपने और उसके बीच में स्पेस रखें। कुछ मिस वगैरह भी है जो कि हम आपके साथ यहाँ पे क्लियर करना चाहेंगे, जैसे कि बहुत से लोगों को ये सोचना है कि हॉट क्लाइमेट और इंक्रीजिंग टेम्परेचर में कोरोना वायरस सर्वाइव नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से लोग गर्म पानी से नहा रहे हैं, सन बाथ ले रहे हैं या गर्म पानी पी रहे हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। का मानना ये भी है कि ये मच्छर के काटने से भी ये वायरस फैलता है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि ये ब्लड के थ्रू सर्कुलेट नहीं करता बल्कि जर्म्स के थ्रू सर्कुलेट करता है और जर्म्स के ड्रॉपलेट से सर्कुलेट करता है। जैसे कि अगर आप छींकते हैं या खांसते हैं तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इम्कान है कि आप कोरोना वायरस को फैला रहे हैं। और पाकिस्तानी लोगों का ये घरेलू नुस्खा भी सामने आ रहा है कि लहसुन और प्याज खाने से कोरोना वायरस आपको इन्फेक्ट नहीं करेगा। तो मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि इसका भी कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। यहाँ पे कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं कि सिर्फ बुज़ुर्गों और बच्चों को एहतियात करनी चाहिए, हम मिडिल एज के जो नौजवान हैं वो तो आराम से रिकवर कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ये वायरस हर उम्र के लोगों को यहाँ पे हो रहा है। और यहाँ पे एक बात ये सही है कि यहाँ पे बुज़ुर्गों और बच्चों का इम्यून सिस्टम जो है वो थोड़ा सा वीक होता है, तो ये बात है कि वो लोग शायद नौजवानों की तरह यहाँ पे रिकवर ना कर पाए। लेकिन ये वायरस सारी उम्र के लोगों को हो रहा है और मिडिल एज के लोग जल्दी रिकवर कर सकते हैं, ये बिल्कुल इम्कान है, ये गलत नहीं है। लेकिन यहाँ पे हर उम्र के लोगों को एहतियात करनी चाहिए। तो और भी बहुत सारे मिथ्स हैं जो हम आपके साथ जरूर यहाँ पे शेयर करते हैं, लेकिन हम फिलहाल आपको यही बोलना चाहेंगे कि गवर्नमेंट्स और डॉक्टर्स आपसे सिर्फ यही दरख्वास्त कर रही है कि अपने अपने घरों में रहें और घरों से बाहर ना निकले। फिलहाल जरूरत बिल्कुल भी घरों से बाहर ना निकले, अगर जान ही नहीं होगी तो किसके ऊपर खर्च करोगे। और अपने फैमिली मेंबर्स के लिए ही घरों में रहे, अपने लिए ना सही लेकिन अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए तो जरूर जरूर घरों में रहे और बिला वजह घरों से बाहर ना निकले। और ये एक और अफसोस की बात जो सामने आ रही है वो है कि फिलहाल हमारी जंग की इससे है जो दिखाई नहीं देती, फिर उसके बावजूद भी ऐसे स्कैम अलर्ट्स इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप के ऊपर वायरल हो रहे हैं कि आपके घरों में कुछ लोग आते हैं और कोरोना वायरस का प्रिवेंशन स्प्रे छिड़कने को बोलते हैं और आपको लूट लेते हैं। तो उन लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले मुल्क को बचा लो, उसके बाद लूट लेना। तो यहाँ पे हमारी सिर्फ यही गुजारिश है कि इस वीडियो को आप बेशक लाइक ना करें ना तो डिसलाइक करें, लेकिन इस वीडियो को ज़रूर से शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने लव्ड वंस के साथ ये वीडियो ज़रूर से शेयर कीजिएगा। और अगर आपको पता है कि ये लोग अभी भी घरों से बाहर निकल रहे हैं तो उन लोगों के साथ तो ये वीडियो ज़रूर से शेयर कीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगली वीडियो हमें ऐसी कोई टॉपिक पर नहीं बनानी पड़े और हम अपने रेगुलर टॉपिक के साथ ही अगली वीडियो में आपके साथ हाजिर हो। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लीजिएगा। आपके चैनल आईटी टॉक पे हम आईटी और टेक रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं, आपको एंटरटेन करने की कोशिश करते रहते हैं। तो अगर नहीं किया सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।